आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला कि आप कैसे अपने खुद का प्रीसेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल फोन से। तो गाइस कैसे आपको अपने प्रीसेट को क्रिएट करना है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे शेयर करना है, यहाँ पे आपको हर एक चीज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत करना, नहीं तो आप हर एक चीज मिस कर जाओगे। सो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अपने चैनल को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको अपने Lightroom वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको उस वाले फोटो को ऐड करना है जिस भी फोटो का आप प्रीसेट यहाँ पे बनाना चाहते हैं। सेकंड स्टेप ये गाइस कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फोटो को अपने हिसाब से एडिट कर लेना है, जैसे भी आप अपने फोटो को सिंपली यहाँ पे रेगुलर एडिट करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आप किस टोन के ऊपर प्रीसेट बना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या कोई भी है अपने प्रीसेट को शेयर करता है तो उस पर लिखा रहता है ब्राउन टोन, ग्रीन टोन, मूडी ब्राउन, येलो टोन, ठीक है, डार्क टोन। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप जिस भी टोन के ऊपर प्रीसेट बनाना चाहते हैं वो वाला टोन आपको इस फोटो में ऐड कर लेना है, यानी कि एडिट कर लेना है। अब गाइस जिन लोगों को नहीं पता है कि हम लोग अपने फोटो में टोन कैसे क्रिएट करना है, वो प्रीसेट कहाँ से क्रिएट करेंगे गाइस, ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। जिन लोगों को नहीं पता है कि टोन कैसे क्रिएट करना है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर स्पेशली वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो इस वाले फोटो को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से यहाँ पे करेंगे एडिट। तो गाइस चलिए मैं अपने फोटो को अपने हिसाब से यहाँ पे कर लेता हूँ एडिट और मेरे को जो भी टोन चाहिए वो मैं टोन इस फोटो में डाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को प्रीसेट को क्रिएट करना है। सो गाइस लेट्स गो। यहाँ पे मैंने अपने फोटो को एडिट कर लिया और आप यहाँ पे सेटिंग्स देख सकते हो, कुछ इस तरीके मेरी सेटिंग्स हैं और मैंने यहाँ पे कलर ग्रेडिंग वाले टूल को भी यूज़ किया है क्योंकि बहुत एक कमाल का टूल है आपको डीपली टोन अपने फोटो में क्रिएट करने के लिए। और गाइस यहाँ पे मैंने अपने फोटो में ऑरेंज टोन रखा है क्योंकि मुझे ऑरेंज यहाँ पे प्रीसेट क्रिएट करना था। तो आपको भी जिस भी टोन के ऊपर आपको प्रीसेट क्रिएट करना है वो आपको टोन इस फोटो में ऐड करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्टेड टूल का यूज़ नहीं करना है आप जब भी प्रीसेट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि पॉइंट हमारे फोटो के हिसाब से अलग हो जाती है। अब उसके बाद आपको कैसे क्रिएट करना है प्रीसेट को वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे आपको शेयर का एक ऊपर ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे की तरफ आप जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपका पहले से कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको JPG पे टिक करना है और यहाँ पे आपको DNG का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको सिंपली यहाँ पे टिक कर देना है। इससे क्या होगा कि देखो ये जो DNG जो फाइल टाइप होता है वो प्रीसेट का होता है। DNG अगर लास्ट में आपको लगा हुआ कहीं मिल जाए फाइल में तो समझ जाना ये प्रीसेट है और उसका पहचान होता है रॉ लिखा होता है उस पर, ठीक है। फिर आपको यहाँ से करना है टिक, तो आपको कुछ सेकंड लेगा और यहाँ पर आपका प्रेसेट खुद पे खुद यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ बोला है दिस में टेक ए मोमेंट और ये देखिए वन फोटो एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, आपका प्रेसेट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आपको ऐड करना है और कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर जाकर मैं सबसे पहले तो इसको करूँगा डिलीट, डिलीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को सिंपल करूँगा बैक और यहाँ से मैं आऊँगा ऊपर यहाँ पे प्लस के आइकन पर मैं करूँगा क्लिक और यहाँ से आपको कैसे ऐड करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आपको 3 डॉट देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे JPG, PNG एंड रॉज एंड वीडियोस। तो आपको JPG, PNG एंड वीडियोस को आपको अनटिक कर देना है, रॉज को आपको सिंपली यहाँ पे छोड़ देना है और यहाँ पे आपको खुद पे खुद यहाँ पे रॉज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे जिस भी आपने प्रेसेट को क्रिएट किया होगा वो आपको खुद पे खुद यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रेसेट जिसके ऊपर लिखा है रॉ। तो मैंने पहले से ही बहुत सारे यहाँ पे क्रिएट किए थे अपने हिसाब से, प्रैक्टिस कर रहा था, तो यहाँ पे बहुत सारे रॉज हैं। तो यहाँ पे आपका अभी यहाँ पे रॉ देखने के लिए मिल जाएगा जो भी आपने प्रेसेट को क्रिएट किया था। फिर आपको यहाँ से करना है ऐड, ऐड करने के बाद ये आपका हल्का सा टाइम लेगा, वेट लेगा, क्योंकि जो प्रेसेट होता है और जो उसकी क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी प्लस होती है, हाई होती है और वो टाइम लेता है हल्का सा यहाँ पे इम्पोर्ट होने के लिए।
कभी कभी तो वो 10 MB, 20 MB, 24 MB, 25 MB भी क्रॉस कर देता है, 40 MB से एबव हो जाता है अगर आप उसको PC से यहाँ पे क्रिएट करोगे तो। ठीक है, अगर आप चाहो तो प्रेसेट को बेच भी सकते हो इंस्टाग्राम पे, बिफोर एंड आफ्टर का कंपेरिजन ला के डिस्क्रिप्शन में कैप्शन में डाल के आप उसको सेल के लिए भी प्रेसेट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वाकई बहुत सारे वेबसाइट्स भी। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुका है 1 फोटो सक्सेसफुली इम्पोर्टेड। फिर आपको सिंपली अपने प्रेसेट को यहाँ पे करना है ओपन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लोडिंग लेगा, तो इसको लोडिंग होने देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 डॉट पे करना है क्लिक। यहाँ पे आपको कॉपी सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको सिंपली यहाँ पे करना है क्लिक। और यहाँ पे आपको ना कोई अनटिक करना है ना कोई टिक करना है, जैसा पहले से है वैसे ही आपको छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ से करना है सही, ये आपका सेटिंग कॉपी हो चुका है। अब मैं आप लोगों को किसी भी फोटो पर नॉर्मली दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इस वाले फोटो को यहाँ पे करूँगा सेलेक्ट। मैं आपको सिंपली यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे मैं 3 डॉट पे जाऊँगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट सेटिंग का, उस पर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो सिर्फ 1 क्लिक के अंदर आपका सेटिंग यहाँ पे खुद पे खुद पेस्ट हो जाएगा। बहुत लोग मेरे से कहते हैं कि ये नहीं काम करता है कभी कभी, तो अगर आपका ये पेस्ट सेटिंग वाला काम नहीं कर रहा है तो आप लाइट रूम को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये 1 क्लिक के अंदर आपका यहाँ पे एडिट हो चुका है। अगर आप चाहो तो जो भी आपको ख़राब लग रहा है, तो यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा सा वाइब्रेंस हम लोग कम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो थोड़ा सा यहाँ से जाके हम लोग लुमिनेंस को भी हल्का सा कम कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से हल्का सा चेंज भी कर सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से आपको क्रिएट करना था, ऐड करना था, यूज़ करना था। तो सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, सो गाइस बाय बाय।